अंकिता हत्याकांड में वकीलों ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके लिए उन्हें हर जगह से वाहवाही मिल रही है और सभी उनके इस फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल अंकिता के हत्यारों के पक्ष में कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए सभी वकीलों ने मना कर दिया है, जिसकी जानकारी कोटद्वार बार एसोसिएशन की ओर से दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की ओर से कोई भी वकील कोर्ट में उनकी पैरवी नहीं करेगा। बता दें कि अंकिता के पिता ने वकीलों से अपील की थी कि वो आरोपियों का केस ना लड़े। ऐसे में हर कोई वकीलों के इस फैसले की सराहना कर रहा है। इस मामले में बेल की अर्जी लगाने वाले वकील ने भी आरोपियों का केस लड़ने से मना कर दिया है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण पौड़ी की ओर से जितेंद्र सिंह रावत को अंकिता हत्याकांड में जेल में बंद आरोपियों के लिए रिमांड वकील के रूप में चुना गया था, जिसके बाद रावत ने कोटद्वार कोर्ट में आरोपियों की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। लेकिन बुधवार को सुनवाई से पहले ही जितेंद्र सिंह रावत ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में सभी वकीलों ने अंकिता के हत्यारों का केस लड़ने से मना कर दिया है। मैं असल में इस मामले में रिमांड एडवोकेट हूँ जिला विकास प्राधिकरण से, लीगल एड से, और मेरे को वहाँ से रिमांड में जिस अभियुक्त का कोई अधिवक्ता नहीं होगा उसके लिए मुझे खड़ा होना है, उसकी ओर से पैरवी करनी है। मैंने उसी क्रम में अभियुक्तगणों की बेल लगाई थी, लेकिन मामले की संदिग्धता को देखते हुए मैंने उसको नोट प्रेस कर दिया है। इतना ही नहीं, कोटद्वार बार एसोसिएशन की तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि अगर अंकिता हत्याकांड को लेकर कोई वकील बाहर से आरोपियों की पैरवी करने आते हैं तो बार एसोसिएशन उसका पूरा विरोध करेगी। ये बात कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पंत ने कही है, सुनिए उनका बयान। हमारे जो साथी अधिवक्ता जितेंद्र रावत जो विधिक सेवा प्राधिकरण से एक्यूज के अधिवक्ता नियुक्त थे, उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, किंतु उन्होंने नैतिकता के आधार पर, क्योंकि यहाँ की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, उन्होंने वो जमानत जो प्रार्थना पत्र है वापस ले लिया है। अब एक्यूजों का इस समय कोई भी अधिवक्ता यहाँ नियुक्त नहीं है और हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक्यूज की तरफ से कोटद्वार बार एसोसिएशन कोई पैरवी नहीं करेगी। यदि बाहर से कोई अधिवक्ता आएगा उसका भी हम पूर्णजोर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि अंकिता मामले में देहरादून के एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है। इसमें अंकिता की हत्या मामले में पटवारी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और उन पर कार्रवाई होने में काफी समय लग जाता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को चाहिए कि इस सिस्टम को बिना देरी किए खत्म करे और आदेश जारी करे कि जल्द से जल्द अंकिता को न्याय मिल सके। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।